नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो भाइयों की हत्या के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, शवों को सड़क पर रखकर घंटों किया सड़क जाम। NH31 पर मौत का कहर बना रफ्तार, सड़क दुर्घटनाओं में दो की मौत, आधे दर्जन से अधिक हुए घायल। जागरूकता के अभाव में हो रहा है जनसंख्या विस्फोट, मायंगंज अस्पताल में डॉक्टरों ने महिलाओं को दिए टिप्स। और जनसंख्या नियंत्रण पर राम के खिलाफ हनुमान ने ठोकी ताल, बोले चिराग, कानून नहीं जागरूकता से होगा समाधान। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को महाकाल ढाबा में दो सगे भाइयों की हत्या के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाईपास को घंटों जाम कर दिया। गुरुवार को बाईपास पर आक्रोशित परिजन और लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर आवागमन बाधित कर दिया। मृतक के पिता सहादुर यादव ने बताया कि उनका एक परिजन दिल्ली में रहता है, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने हत्या के आरोपियों से अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। सड़क जाम की सूचना मिलने पर ASP पूरन कुमार झा ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर परिचालन सामान्य किया। घटना को लेकर ASP ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच ढाबे को लेकर विवाद था और उसी में उन दोनों की हत्या की गई है। घटना को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कल रात में की गई है, अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामले में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्गी किशनपुर निवासी मुख्य आरोपी विक्रम यादव सहित उनके सहयोगी विष्णुदेव यादव, विक्की यादव, ऋतिक कुमार, अरविंद यादव, विलास यादव, सुमन यादव, राजा यादव, बम्बम यादव, रूपेश यादव एवं जगदीशपुर थाना के तमोनी मोड़ निवासी विक्रम यादव के बहनोई को नामजद आरोपी बनाया गया है। जी, कल भागलपुर में यहाँ मधुसूदनपुर में दो लोगों की हत्या हुई थी, उसी संबंध में उनके परिजनों ने हाईवे को जाम किया था, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर करा के ट्रैफिक सामान्य चालू करवाया जा चुका है। कैसे हुआ था, क्या घटना थी? उन दोनों लोगों का अन्य लोगों से किसी ढाबे को लेकर के प्रॉपर्टी विवाद था, उसी विवाद में उन दोनों की हत्या की गई है। गुरुवार को नवगछिया में NH31 पर रफ्तार का कहर मौत बनकर आया, जिसमें दो लोगों की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा भीपुर के मड़वा गांव के पास गौतम धर्मकांटा के सामने हुई, जहां ट्रक और जीप की टक्कर में दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने बारात ले जा रही जीप के सामने से टक्कर मार दी, जिससे जीप का चालक और एक बाराती भीविषण मुनि की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं जीप में बैठे 4 बाराती भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बीपुर CHC इलाज के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी घटना नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेसिडेंसी स्कूल के समीप हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का नवगछिया में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए JLNMCH मायगंज भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में गोपालपुर थाना क्षेत्र के लत्ती पाकर के मोहम्मद कुदो, सबौर के गोपाल दास, कटिहार जिले के जवाबगंज निवासी बादल यादव और एक अज्ञात युवक है। ऑटो और बोलेरो के बीच हुई सीधी टक्कर में एक बाइक सवार भी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलेरो और टेम्पो और बाइक तीनों एक साथ ओवरटेकिंग करने में तीनों साथ टकराया। बेलोरो 3 पलटन खा के सीधा मोटरसाइकिल वाले के भैया के ऊपर जाके गिरे, टेम्पो डायरेक्ट खाई में गिर गया। नवगछिया थाना की पुलिस ने बुधवार की देर रात पकड़ा से संजीव जायसवाल के घर छापेमारी कर 5 किलो गांजा के साथ उसे गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी भरत भूषण ने बताया कि सूचना मिली थी कि पकड़ा के संजीव जायसवाल गांजा की तस्करी करता है। इसी सूचना के आधार पर जब उसके घर में छापेमारी की गई तो छत पर सरसों तेल के 2 डिब्बों से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि गांजे की तस्करी कहां से होती थी और कहां सप्लाई होता था, पुलिस उसका पता लगा रही है। पकड़ा ग्राम में संजीव जायसवाल के द्वारा अवैध गांजा का तस्करी कर अवैध धंधा किया जा रहा है। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। उनके निर्देश के आलोक में ही संजीव जायसवाल के घर पर छापामारी किया गया। घर की तलाशी लेने पर उनके छत पर रखा गया लकड़ी में छुपा कर रखा गया 2 सरसों के तेल का डब्बा में करीब 5 KG गांजा बरामद हो गया।
एक तरफ जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी है, वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। मायगंज अस्पताल में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जहां महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना झा अस्पताल आने वाली महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण के तरीके और फायदे गिना रही हैं। डॉक्टर अर्चना झा ने कहा कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव और मन में भ्रांतियां रहने के कारण बिहार की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस पर अंकुश लगाने को लेकर महिलाओं को शिक्षित होना काफी आवश्यक है। लड़की की शादी कम से कम 21 वर्ष में हो, कम से कम 2 साल के बाद पहला बच्चा और दूसरा बच्चा 3 साल से 5 साल बाद होना चाहिए। मौके पर डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर माधवी, डॉक्टर सांत्वना, डॉक्टर मायाराम, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर तनु कुमारी, सिस्टर सुको निर्मला, असिस्टेंट मैट्रोन बेबी कुमारी, असिस्टेंट मैट्रोन मीनू कुमारी मौजूद थी। इतना ज्यादा उनको काउंसिल करना, इतना ज्यादा उनसे बातें करनी है इस संबंध में कि उनको उनमें जागरूकता आ जाए और वो इसको इस्तेमाल करें और अपने परिवार में जो लोग हैं उनको भी इस्तेमाल करने के लिए इसको बताएं। और ये सारी सुविधाएं सरकारी तौर पे फ्री में उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर BJP के स्टैंड का विरोध कर दिया है। चिराग पासवान ने खुले तौर पर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं बल्कि जागरूकता से होगा। दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग ने कहा कि जागरूकता से ही इन समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। यह पूछे जाने पर कहा कि क्या महागठबंधन में LJP शामिल होगी, चिराग पासवान ने कहा कि उनका पूरा फोकस इस वक्त आशीर्वाद यात्रा पर है। अपने चाचा के साथ चल रहे विवाद को लेकर चिराग ने कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन उन्हें मालूम है कि जीत उन्हीं की होगी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL की जिला इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिला सचिव प्रशांत कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी बड़ी पोस्ट ऑफिस स्थित BSNL कार्यालय से दूरसंचार केंद्र तक गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्री और दूरसंचार मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने BSNL को 4G स्पेक्ट्रम में शामिल तो कर लिया है, लेकिन सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है। BSNL को 5G में भाग लेने की अनुमति नहीं देने का मतलब है सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। BSNL कर्मियों को वेतन के अलावा संशोधित पेंशन तथा मेडिकल सुविधा भी नहीं दी जा रही है। हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि कोरोना काल को लेकर के सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन हम जो कमा करके 16,000-17,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन के मद में 3,500 करोड़ रुपया खर्च होना है, 350 करोड़ रुपया खर्च होना है और 16,000 करोड़ हम कमा करके दे रहे हैं, तो फिर हमारा वेतन जो है अनरेगुलर क्यों हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों में नीट के जरिए दाखिले में OBC की हकमारी के खिलाफ बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन ने गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सोनम राव और उपाध्यक्ष अभिषेक आनंद ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में नीट के जरिए दाखिले में OBC के हिस्से की लूट 4 वर्षों से हो रही है। उपाध्यक्ष मिथिलेश विश्वास और सह सचिव नंदकिशोर भारती ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसी वर्ष 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग के बहाने OBC को आरक्षण देना बंद कर दिया। पुतला फूका गया है नीट में, OBC का जो आरक्षण है उसको सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। इन आरक्षण को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है और OBC के आरक्षण पर लगातार हमले कर रही है सरकार। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने टाउन थाना स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और लंबित मामलों का निपटारा जल्द करने का निर्देश दिया। उनके साथ प्रशिक्षु DSP, SDPO दिलीप कुमार और इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह भी थे। SP ने कहा कि नवगछिया बाजार में जाम की स्थिति को देखते हुए कुछ दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार सड़कों पर ठेला लगाते हैं, जिससे जाम की समस्या हो रही है।
उन्होंने थाना प्रभारी से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। जाम की समस्या को लेकर इसके पूर्व भी उन्होंने एसडीओ, डीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक में दिशा निर्देश दिया था। और जो जाम की समस्या है वो वजह अभी है कि हम लोग जो सब्जी मंडी में जो सब्जी दुकानदार को शिफ्ट कराए थे, कोरोना को देखते हुए जो रोड पे लाया गया है, उसमें हमने थाना पारी को कहा भी है कि रोड पर कोई ठेला नहीं थे, रोड पर ठेला दिखता है पुलिस एक्ट में पावर आपको है, उस पर कार्रवाई कीजिए फाइन। भागलपुर में हबीबपुर थाना क्षेत्र के बाबा बेलनाथ सार्वजनिक मंदिर सालेहपुर में हो रहे अखंड कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया है। मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ मां पार्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पहले मैया पार्वती की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में भक्त मां पार्वती के जयकारों से उद्घोष से इलाका गूंज उठा। मंदिर प्रबंधन के कोषाध्यक्ष श्याम प्रसाद मंडल ने बताया कि 72 घंटे तक चलने वाले अखंड कीर्तन की शुरुआत कलश शोभा यात्रा के साथ हुई थी। भजन कीर्तन और मैया के जयकारों से मंदिर के आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया है। सबौर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित कर 3 माह में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। प्रत्येक 3 माह पर आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने की। बैठक में पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि भाजपा न सिर्फ राजनीतिक संगठन है, बल्कि इसके कार्यकर्ता सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार काम करते रहते हैं। आज की बैठक में उन्हें सकारात्मक कार्यों की समीक्षा के साथ अगले 3 माह में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की गई है। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता हरिवंशमणि सिंह, नरेश चंद्र मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर, संजीव सिंह, पवन मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ये भारतीय जनता पार्टी की रूटीन बैठक है। प्रत्येक 3 महीने पर हम लोग कार्य समिति की बैठक करते हैं, जिसमें जो संपन्न कार्यक्रम है उसकी समीक्षा करते हैं और आगामी 3 महीने की कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाते हैं। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक 3 महीने पर आगामी संपन्न कार्यक्रम की समीक्षा और 3 महीने के कार्यक्रमों की कार्य योजना बनाने का इस बैठक में काम करते हैं। गुरुवार को हेल्पिंग रेंज संस्था द्वारा शंकर टॉकीज दीपनगर मोहल्ले में कोविड का टीकाकरण कराया गया। अर्जित शाश्वत चौबे के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में 70 लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया। संस्था के अध्यक्ष सनी जैन ने कहा कि संस्था असहाय और गरीबों की सहायता के लिए कार्य करते आ रही है। भागलपुर में मिर्जान हाट के 59 वर्षीय सत्यनारायण साह पिछले 9 जुलाई से लापता है। इस संबंध में उनके पुत्र उत्तम कुमार ने थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अपने पिता की खोज में मदद के लिए उत्तम ने मीडिया से भी गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि 59 वर्षीय मेरे पिता 9 जुलाई को घर से निकले हैं, जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मेरे पिता को ढूंढने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा। 9 जुलाई शाम 4 बजे हमारे घर से वो बाहर निकले और उसके बाद फिर अभी तक वापस नहीं हुए। उन्हें ढूंढने में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, किंतु अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया, कोई सूचना नहीं मिल पाया है। उनका थाना में हमने FIR भी दर्ज करवाया है, किंतु अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है। हम लोग बहुत परेशान हैं गत 9 जुलाई से। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में कलबलिया धार में डूबने से 21 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रंगरा के बुंदेली यादव के पुत्र गौरव कुमार यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गौरव अपने कुछ दोस्तों के साथ भैंस चराने के लिए कलबलिया धार की तरफ गया था। गंगा नदी में भैंस को नहलाने के दौरान गौरव कुमार गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। उसके साथ ही बाले यादव और राजकुमार यादव ने गौरव को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से गौरव के शव को बाहर निकाला। वहीं रंगरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।